हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों, फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं मुंबई के बांद्रा इलाके में और आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं हिंदी सिनेमा के सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी जी का घर। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी जी आखिर किस घर में रहते थे, उनका घर कहाँ पर है, कैसा है और उस घर में अभी कौन रहता है। आप सभी को पता होगा कि मोहम्मद रफ़ी जी इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन वो जिस घर में रहा करते थे उस घर को उन्होंने 1970 में खरीदा था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं के घर का नज़ारा दिखाने वाले हैं कि आखिर इतने बड़े सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी जी का घर कहां पर है, कैसा है और उनके घर परिवार में कौन कौन है। तो पूरा बायोग्राफी भी बताएंगे और मोहम्मद रफ़ी जी का घर भी आपको दिखाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मोहम्मद रफ़ी जी के घर के ठीक सामने। आप लोग जो ये 5 मंजिला इमारत देख रहे हैं ना, यही है मोहम्मद रफ़ी जी का घर। अभी हम आप सभी लोगों को इनके घर के मेन गेट पर ले चलेंगे और इनके घर का पूरा नज़ारा दिखाएंगे और इनके घर के आसपास का क्या माहौल है और इस घर में अभी कौन कौन से लोग रहते हैं, सब कुछ अच्छे से बताएंगे। तो देखिए, ये जो इस बिल्डिंग की 5वीं मंजिल है ना, मोहम्मद रफ़ी जी 5वीं मंजिल पर ही रहा करते थे। और ये है उनके घर का मेन गेट, जहाँ पे कुछ औरतें लोग खड़ी हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रोज़ाना लोग घूमने के लिए आते हैं मोहम्मद रफ़ी जी के घर को देखने के लिए और वहाँ पर कुछ लोग फ़ोटो वगैरह भी ले सकते हैं। और इस घर का नाम है रफ़ी मेंशन, जो कि मुंबई के बांद्रा में स्थित है। इस घर को उन्होंने ना 1970 में खरीदा था और यही है मोहम्मद रफ़ी जी का घर। दोस्तों, महानगरी में कई गायक आए और कई चले गए, लेकिन बॉलीवुड के रफ़ी साहब जैसी प्रतिभाएं अनंत काल तक जीवित रहती हैं। 24 दिसंबर 1924 को इनका जन्म ना लाहौर पंजाब में हुआ था। तब वो ब्रिटिश भारत में हुआ करता था, लेकिन अब वो पंजाब पाकिस्तान में है और उनका जन्म वहीं पर हुआ था। भारत की दिलों की धड़कन कहे जाने वाले रफ़ी साहब का निकनेम फीको था। रफ़ी साहब के बड़े भाई सलून चलाया करते थे। मोहम्मद रफ़ी की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, ऐसे में उनके पिताजी ने उन्हें बड़े भाई के साथ सैलून में काम सीखने के लिए भेज दिया था। रफ़ी जी के साले मोहम्मद हमीद ने रफ़ी जी की प्रतिभा देखी और उनका उत्साह बढ़ाया। हमीद ने ही रफ़ी साहब की मुलाकात नौशाद अली से करवाई थी, जिसके बाद उन्हें हिंदुस्तान के हम हैं हिंदुस्तान हमारा की कुछ लाइनें गाने का मौका मिला। रफ़ी जी की पहली सार्वजनिक परफॉर्मेंस 13 साल की उम्र में हुई है, जब उन्हें महान केएल सहगल की एक संगीत कार्यक्रम में गाने की अनुमति दी गई। अभी हम रफ़ी जी के घर के ठीक सामने आ गए हैं और इनके घर के नीचे यहाँ पर कुछ दुकानें भी हैं खुली हुई और देखिए हर एक बालकनी में ग्रिल लगाया गया है। और ये है इनके घर का मेन गेट, जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी रफ़ी जी के नाम पर गरीब लोगों को दान में कुछ न कुछ दिया जाता है, इसीलिए लोग इन्हीं के द्वार पे यहाँ बैठे रहते हैं। देखिए, गेट के सामने एक तरफ उर्दू में एक तरफ इंग्लिश में रफ़ी मेंशन लिखा हुआ भी है। सबसे ऊपरी 5वीं मंजिल पर ग्रिल भी लगाया गया है, जहाँ पर रफ़ी साहब मुंबई में रहा करते थे। और यहाँ पर देख सकते हैं इन्हीं के घर के बगल में फिरोज खान जी का घर है, जिन्होंने अर्जुन का रोल अदा किया था महाभारत में। ये है फिरोज खान जी का घर, इसी के पहली मंजिल पर फिरोज खान जी भी रहते हैं और इसी के बगल में ये मोहम्मद रफ़ी जी का घर है। दोस्तों, जो मोहम्मद रफ़ी जी थे उनके पिताजी का नाम हाजी अली मोहम्मद था और उनकी माता का नाम अल्लाह राखी था। इनके भाई मोहम्मद शफी, मोहम्मद दीन, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद सिद्दीकी थे और इनकी बहन चिराग बीवी और रेशमा बीवी थी। और इतना ही नहीं, मोहम्मद रफ़ी जी की पहली बीवी का नाम बसीरा बीवी था और इनकी दूसरी बीवी बिल्किस बानो थी। इनके बेटे थे सईद, जिनका जन्म पहली पत्नी से हुआ था, और दूसरी पत्नी से खालिद हामिद और
शाहिद का जन्म हुआ था और इनकी बेटी का नाम है परवीन यास्मीन नासरीन, जिनका जन्म दूसरी पत्नी से यानी कि बिल्किसकीन बानो से हुआ था। दोस्तों आपको बता दें 1948 में रफ़ी जी ने राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित सुन सुनो ए दुनिया वालो बाबू जी की अमर कहानी गाया और इस गाने के हिट होने के बाद उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के घर में गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। फिर साहब ने नौशाद जी के अलावा कई बड़े कंपोजर्स के साथ काम किया था, जैसे कि एचडी बर्मन, शंकर जैकिसन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ओपी नायर और कल्याण जी आनंद जी समेत अपने दौर के लगभग सभी लोकप्रिय संगीतकारों के साथ मोहम्मद रफ़ी जी ने गाना गाया था। दोस्तों 1960 के दौर में रफ़ी जी और लता मंगेशकर के बीच में विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों एक दूसरे के साथ न लगभग 4 साल तक कोई भी गाना नहीं गाए थे। दोस्तों हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में सिर्फ मुकेश जी और तलत महमूद का नाम हुआ करता था, तब रफ़ी को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब नौशाद जी ने फिल्म बैजू बावरा के लिए रफ़ी जी को गाने का मौका दिया तब उन्होंने कहा था इस फिल्म के साथ ही तुम सबकी जुबा पर छा जाओगे और वैसा ही हुआ भी। तो अगर मोहम्मद रफ़ी जी के टोटल नेटवर्थ के बारे में बात करें तो उनका टोटल नेटवर्थ ना करीब 190 करोड़ रुपए था। दोस्तों मोहम्मद रफ़ी जी का निधन 31 जुलाई 1980 को हृदय रोग की वजह से मुंबई में हुआ था और इनके अंतिम संस्कार में ना 10,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ जुटी थी अंतिम संस्कार में और वो एक अपने आप में इतिहास बन गया है। उस समय बारिश हो रही थी और सभी लोग इनके अंतिम संस्कार में जुटे हुए थे। तो यही है हमारे मोहम्मद रफ़ी जी का घर जिसमें अब उनके बेटे लोग रहते हैं, ये है मुंबई के बांद्रा में। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।